आवाज सुनी? तुमने सुनी? जी बेबी जी, गोली की आवाज तो मैंने भी सुनी है, पर उसके बाद किसी के चीखने की आवाज नहीं आई। मैं अभी देख के आती हूँ। क्या हो गया? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी जायदाद किसी को भी चली जाए, तुम्हें क्या? मगर मुझे फर्क पड़ता है। मैं अपनी जगह और अपने खाब किसी को भी नहीं दे सकती। तुम इतनी सी बात के लिए अपनी जान दे दोगी? हाँ, मैं अपने सपनों के लिए जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। सेना, तुम्हें मेरा ख्याल भी नहीं है? तुम्हें है मेरा ख्याल? क्या चाहती हो तुम? यही कि वो औरत इस घर में यहाँ नहीं रहेगी। अच्छा बाबा, नहीं रहेगी? पहले इलेक्शन का रिजल्ट आने दो, उसके बाद यहाँ नहीं रहेगी। तो कहो मेरे सर की कसम कि वो औरत यहाँ नहीं रहेगी। सेना, तुम्हारे सर की कसम, मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ नहीं रहेगी। और अगर इलेक्शन के बाद भी औरत यहाँ रही ना, तो मैं अच्छा बुरा कुछ भी करूं, तुम मुझे नहीं रोकोगे। भाई ने गोली चलाई? ये गुलदस्ते में सांप था क्या? ये गोली मैंने चलाई है। मुराद भाई पे कोई और नजर में है क्या? क्या मतलब? अब मेरा मतलब दूसरा निकाह किससे करेंगी? पागल, नाटक किया था मैंने। क्यों? ताश की बाजी जीतनी हो ना, तो ताश का हर बड़ा पत्ता अपने हाथ में करना होता है। आज ये गोली चलाकर मैंने एक बड़ा पत्ता तो अपने हाथ में ले लिया। मगर इस गोली चलाने से हुआ क्या? इस गोली के साथ मुराद अब अंधा, बहरा और गूंगा हो गया। अब ना उसे कुछ गलत दिखाई देगा, ना किसी की चीखो पुकार सुनाई देगी, और ना ही किसी को कुछ बोलने की हिम्मत होगी। आज मैंने अपने ख्वाबों की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर साहब, हम कब अब्बू को घर ले जा सकते हैं? आप चाहें तो आज ही ले जा सकती हैं। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक तो है? कोई तकलीफ तो नहीं? जी नहीं भाईजान। तुम्हारी नहीं में मुझे दर्द की हां नजर आ रही है। नवाब खानदान की औरतें राज करने के लिए होती हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जाता। नवाब साहब, बात बहुत अच्छी है, अगर इस पर अमल किया जाए तो। बहन, अगर कोई भी परेशानी हो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना।
मेरा कार्ड। खुशी, हमारे घर की औरतें बहुएं बेटियां किसी गैर मर्द का नंबर नहीं लिया करती। तो फिर ठीक है, तुम्हारे घर से बस 50 कदम दूर ही हमारा पुलिस स्टेशन है। अगर मेरी जरूरत पड़े तो फौरन वहां चली आना और मेरा नाम ले लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इज्जतदार घरों की औरतों को पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या इज्जतदार इज्जतदार लफ्ज की रट लगाई है नवाब साहब? कभी जहमत तो कीजिए, आइए हमारे पुलिस स्टेशन तशरीफ लाइए। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने इज्जतदार फैमिलीज की इज्जत हमने अपने फाइल्स में कैद कर रखी है। और हां, आप जरा अपना ख्याल रखिए। बताने की तो जरूरत नहीं है आपके कितने दुश्मन हैं। कोशिश कीजिए कि कोई दोस्त भी बनाए। अल्लाह हाफिज। आमिर साहब, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, बंदे लगा दिए मैंने, आज पता चल ही जाएगा। सर, उन लोगों का पता चल गया है जिन्होंने नवाब साहब पर हमला किया था। अच्छा, क्या वो पुलिस को बयान देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, अगर उन्हें एक रकम मिल जाए तो। ठीक है, रकम दे देंगे हम। आमिर साहब, कल मैं आपके चैनल के लिए एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं। क्या हुआ? उन लोगों का पता चल गया है जिन लोगों ने नवाब साहब पे हमला किया था। अच्छा, वेरी गुड। बीबी से बहू कह रहे हैं। इलेक्शन के बाद कहा था ना जमीला बेगम, अभी इलेक्शन में काफी वक्त है। आप रिलैक्स हो जाएं, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ।
पर यही वो लोग हैं जिन्होंने नवाब साहब पर हमला किया। तो तुम लोग पुलिस के सामने बयान दे दोगे कि नवाब साहब ने तुम्हें कहा था कि उन पर हमला करो। उन्होंने हमें 2 लाख दिए, हमने उन पर हमला कर दिया। आप हमें 5 लाख देंगे, हम पुलिस स्टेशन में वही बोलेंगे जो आप चाहेंगे। खबरदार, मैं तुम लोगों को नवाब साहब पर हमला करने के जुर्म में अरेस्ट करता हूं। पकड़ लो इन्हें। देखिए एसपी साहब, मैंने नवाब साहब पर हमला नहीं करवाया, बल्कि नवाब साहब ने खुद पैसे इन लोगों को देकर अपने आप पर हमला करवाया। अच्छा, यानी कि काम चाचा ने किया और पेमेंट भतीजा कर रहा है। एसपी साहब, आप मेरी बात सुनिए। जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहो, ले जाओ इसे। इतना मारो कि हड्डी पसली एक हो जाए। नहीं सर, मैं बताता हूं। तो फिर बताओ क्या करने गए थे वहां? इन्होंने मैं पैसे दिए थे नवाब साहब पे हमला करने के लिए, हम तो इनसे बकाया पेमेंट लेने आए थे। नहीं एसपी साहब, ये झूठ बोल रहा है। हाँ हाँ, सच बोलने का ठेका तो आप ही ने ले रखा है। देखिए एसपी साहब, आप नहीं समझते, ये सब मेरे चाचा जान की चाल है। मैं ना सिर्फ समझता हूं बल्कि जानता भी कि यह आपके चाचा जान की ही चाल है। आप जानते हैं, आप यहां हैं, पैसे यहां हैं, ये लोग यहां हैं, और फिर मैं भी तो यही हूं। अब जाहिर सी बात है, किसी ने तो खबर दी होगी, किसी ने तो मुझे वहां भेजा होगा। तो आप उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि सारे सबूत आप ही के खिलाफ है। आधी रात को मुझे कॉल आई थी पीसीओ से। अब इतनी रात को ये कैसे पता लगेगा कि वो कौन सा पीसीओ था? मैं एक फोन कर सकता हूं। किसे? आमिर खत्री को। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त उन्हीं के चैनल पर आपकी गिरफ्तारी की खबर चल रही है। जब फिल्म का रंग सफेद हो जाता है तो रिश्तों के फर्क मिट जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ हमने करवाया? लगता नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। आपकी बहन रिमशा का कहीं रिश्ता हुआ? नहीं, अभी नहीं। बस तो मिल जाइए आराम दीजिए। कल सुबह नवाब साहब को बहुत बड़ी चोट दूंगा। जब तक ये औरत इस घर में है ना अबू, कुछ ठीक नहीं होगा। कैसी खुशी लेके आया चांद,
ناظرین ہم آپ کو اس بریکنگ نیوز سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان انصاف پارٹی کے چیئرمین اور مشہور سیاستدان نواب وحید اللہ پر حملہ کرنے کے جرم میں ان کے بھتیجے اسلم شیخ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسلم شیخ نہ صرف نواب وحید اللہ کے سیاسی حریف ہیں بلکہ پچھلے الیکشن میں ان کے خلاف حصہ بھی لے چکے ہیں، اور شاید اسی سیاسی رنجش کی وجہ سے اسلم شیخ نے نواب وحید اللہ پر حملہ بھی کروایا ہے۔ ہمارا اسلم ایسا کرے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ جب خون کا رنگ سفید ہو جاتا ہے تو رشتوں کے فرق مٹ جاتے ہیں، جیتے جی ان کے والد نے ہمیں کچھ نہیں سمجھا اور ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے ہمارے خلاف ہو گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں۔ تم اپنے آپ کو تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ خون ہے وہ ہمارا آپا، اسے چھڑوانے کے لیے ہم خود جائیں گے۔ نہیں نہیں دیکھیے، میں اس وقت کسی حالت میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں ہم دونوں کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اگر میں اس وقت پولیس اسٹیشن آ گیا تو لوگوں کا شک یقین میں بدل جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں ملے ہوئے ہیں، سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ میں وہاں نہیں آ سکتا، دونوں میں سے کسی ایک کو تو باہر رہنا ہوگا نا۔ ویسے بھی میں باہر رہ کر آپ کی زیادہ مدد کر سکتا ہوں۔ کیا ہوا؟ فون رکھ دیا۔ جب انسان کا وقت برا ہو تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر یہ تو میڈیا ہے۔ علاقے میں تو ناکہ بندی کرانی پڑے گی۔ جی سر بالکل، اور کل رات کو آئی جی صاحب کے آرڈرز دے کے دلاور مرد کیس کی تحقیقات کی جائے، انہیں قتل کو جلد سے جلد چھوڑا جائے۔ ہیلو، اچھا ہاں تو بھجوائے انہیں اندر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ اسلم شیخ کی ضمانت کے پیپرز ہیں۔ آپ ہی نے اور چھڑوا بھی آپ ہی رہے۔ کیا مطلب؟ مطلب آپ پر حملہ کرنے کے جرم میں اسلم شیخ کو آپ ہی نے پکڑوایا اور اب آپ ہی چھڑوا رہے ہیں۔ کیا کہیں، خون تو ایک ہی ہے اور خون جوش تو مارتا ہی ہے۔ سمجھ نہیں آتا آپ لوگوں کا خون آخر اتنا جوش کیوں مارتا ہے، کیوں ہے اتنی گرمی آپ لوگوں کے خون میں؟ نوابوں کی خون کی گرمی ابھی آپ نے دیکھی کہاں؟ حضور جس جگہ آپ کھڑے ہیں نا اسے پولیس تھانہ کہتے ہیں، یہاں اچھے اچھے آ کر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اسے ایک بات بتائیں،
उन पांचों को नहीं छुड़वाएंगे। उनसे हमारा क्या वास्ता? हुजूर मेरी आदत है और आदत के मुताबिक ही मैं क्रिमिनल्स को ज्यादा डंडे मारता हूं। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि डंडों के खौफ से वो लोग असलम शेख के नाम के बजाय आपका नाम ले। आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ हमने करवाया? लगता नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। यकीन है तो गिरफ्तार कर लीजिए। करता अगर हमारे पास सबूत होता तो। हमारी पुलिस का यही प्रॉब्लम, मुंह बहुत चलाती है लेकिन मेहनत करके सबूत तलाश नहीं करती। शुक्र करें कि हम मुंह ही चलाते हैं। जिस दिन डंडा चला ना तो असलम शेख के बजाय सलाखों के पीछे आप होंगे। कानून के दायरे में रहकर बात कीजिए जो भी करनी है। इस तरह की बात करने की कानून आपको इजाजत नहीं देता। कानून मुझे क्या इजाजत देता है और क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मुझमें एक प्रॉब्लम है। कानून की हिफाजत करने के लिए अक्सर मैं कानून तोड़ देता हूं। क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हैं? नवाबों की दुश्मनी से शायद वाकिफ नहीं है। हम जब दुश्मनी पे उतर के आते हैं ना तो तबाह बर्बाद कर देते हैं, और अगर खुश हो जाएं तो आबाद भी कर देते हैं। कभी तशरीफ लाइए हमारे गरीब खाने पर तो आपको पता चलेगा कि तोहफा क्या चीज होती है। हम आपको ऐसा तोहफा देंगे जो आपकी सारी जिंदगी की तनख्वाह से कहीं ज्यादा होगा। नवाब साहब, आपने नवाब हैदराबाद बख्तावर शाह का नाम तो सुना ही होगा। हाँ हाँ, बड़े मशहूर नवाब गुजरे हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। मैं उनका नवासा, अगर मैं अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी बेच दूं ना तो आपकी जायदाद से दुगना होगा। पुलिस की नौकरी में 40,225 रुपए के लिए नहीं करता, नौकरी मैं कानून और पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए करता हूं। नईम, असलम शेख को छोड़ दो, जाएं ले जाएं उन्हें। वालेकुम अस्सलाम। वो असलम का क्या हुआ? असलम को हमने छुड़वा दिया। क्यों छुड़वाया उसको? इसलिए छुड़वाया है कि जब टेलीविजन पे ये खबर चलेगी तो हम फरिश्ता बन जाएंगे, और इलेक्शन जीतने के लिए फरिश्ता दिखना बहुत जरूरी होता है। मुझे तो ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती। इलेक्शन का तो मुझे पता नहीं, उसने जो भी किया वो जाने, लेकिन जो तुमने किया वो इंसानियत की नजर में बहुत नेक काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू खाने लगा दूं आपके लिए? नहीं अभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम। बाकी सब ने खाना खा लिया? नहीं, सोहा ने अब तक खाना नहीं खाया। ठीक है, आप सोहा के कमरे में खाना लेकर आइए। जी, अब मैं लगा देती हूँ ना? नहीं, आप नहीं।
खुशी आप लेकर आइए। क्या बात है बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही आप? भूख नहीं है अब्बू। कम से कम बाप से तो झूठ ना बोलिए। कैसे खाऊं, दिल ही नहीं कर रहा। हादसे होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जीना छोड़ दे। अब्बू, जीने की वजह सांसें होती, जब सांसें ही रुक जाए तो कोई जिए कैसे। इतना बड़ा दर्द लेने के बाद कोई कैसे खाना खा सकता है? आप दिलासा देने के बजाय भड़का रही हैं। नहीं अब मुझे देखिए बेटा, अगर आपने अपने होने वाले शौहर को खोया है तो जैनब ने अपना देवर खोया, खुशी ने भी तो अपना शौहर खोया है, और वो शोहर जो उसका अपना था, और आप तो उसकी बात कर रही हैं जो अभी आपका हुआ ही नहीं था। और वैसे भी बेटा, ये छोटी छोटी बातों में जो रिश्ते तोड़ देते हैं ना, उनसे रिश्ता ना ही रखा जाए तो अच्छा है। जब तक ये औरत इस घर में है ना अबू, कुछ ठीक नहीं होगा। ना तो मैं खुश रह पाऊंगी और ना ही जी पाऊंगी। बाहर जाइए बेटा। आप ठीक है, एक बार इलेक्शन होने दीजिए, फिर आप देखिएगा कि हम टूटे हुए दिल, टूटे हुए रिश्ते सब जोड़ देंगे। ये लीजिए, खाना खाइए। जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे उस गुनाह की सजा मिल रही है जो मैंने किया ही नहीं। कुरातुलैन ने जान देने की कोशिश की तो इसमें मेरी क्या गलती? सोहा का रिश्ता टूट गया, इसमें भी क्या मेरी गलती? आखिर ये सजा मुझे क्यों मिल रही है? किस्मत लेकर पैदा हुई हूं। पहले भी मेरी जिंदगी जहन्नुम थी, एक फरिश्ता सिफत इंसान ने मेरा हाथ थामा तो तूने उसे भी उठा लिया। ये सोचकर मैं इस घर में आई थी कि कुछ रिश्ते मिलेंगे, कुछ सहारा मिलेगा, मगर क्या मिला? फिर वो ही जहन्नुम। इससे तो अच्छा था कि मैं उस ट्रेन हादसे में ही मर जाती, ये जिल्लत तो ना मिलती मुझे। सुहा को हंसता हुआ मैं भी देखना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं किस्मत तो नहीं बदल सकती।
अरे आमिर साहब, आपसे तो हमारी जमानत भी नहीं करवाई गई। अरे भाई, बगैर जमानत वारंट लेकर तुम्हें गिरफ्तार किया गया था, इसलिए नवाब साहब ही करा सकते थे तुम्हारी जमानत। चोट पे चोट दिए जा रहा ये बंदा, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। अरे ऐसी चोट देंगे कि देखता रह जाएगा। अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है ना वो? हाँ, आपकी बहन रिमशा का कहीं रिश्ता हुआ? नहीं, अभी नहीं। बस तो मिल जाइए, आराम कीजिए। कल सुबह नवाब साहब को बहुत बड़ी चोट दूंगा। चाचा जान, चाची जान, अरे फुफो जान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चाचा जान कहाँ हैं? अरे चाचा जान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आइए, अभी तो इलेक्शन हुए नहीं और आपने मुबारकबाद देनी शुरू कर दी। इलेक्शन तो होते रहेंगे, रिजल्ट तो यही आना है ना। या आप मुझे मुबारकबाद देंगे या मैं आपको। मतलब खुशी तो इसी घर में रहेगी ना। चचा जीते या भतीजा, जेल से रिहा होने की मुबारकबाद तो नहीं दे रहे आप? पॉलिटिशियन का दूसरा घर जेल ही होता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक भतीजी भी है, रिमशा। क्या हुआ उन्हें? रिश्ता तय हो गया, मंगनी है उसकी। ये लीजिए कार्ड, और आप सबको जरूर आना है। और खुशी भाभी, आप भी जरूर आइए। और आपको तो डबल मुबारकबाद, जब से आप इस घर में आई हैं खुशियां ही खुशियां आ गई हैं हमारी जिंदगी। और हां फूफो, सोहा को तो आपने खास तौर पे 3-4 दिन पहले ही भेज देना, क्योंकि घर वाले ही घर के कामों में हाथ बटाते हैं ना। अरे वो सब तो ठीक है असलम भाई, जरा ये तो बताइए कि लड़का कौन है? अरे वही आपका देखा सुना आमिर साहब का बेटा शायान।